तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मॉनिटर में मोबाइल एंड कीबोर्ड माउस को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो सभी चीज़ें वही हमने ले लिया है। तो आपको मोबाइल को मॉनिटर में कनेक्ट करने के लिए आपको जो मॉनिटर है उसमें आपको एनीकास्ट को कनेक्ट करना है। तो आपके पास जो केबल है तो वही आपको केबल भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने एनीकास्ट है वही हमने कनेक्ट कर दिया है। तो आपको मॉनिटर में जो एनीकास्ट है वही आपको कनेक्ट कर देना है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि एनीकास्ट को मैंने मॉनिटर में कनेक्ट कर दिया है और आपको मोबाइल है वही आपको मॉनिटर में कनेक्ट करके कीबोर्ड एंड माउस को हमें मोबाइल में कनेक्ट करके जो उसमें गेम है वही हमें प्ले करना है। तो आपको बिना सीपीयू के बिना कंप्यूटर के आपको आसान तरीके कीबोर्ड एंड माउस को मोबाइल में कनेक्ट करके मॉनिटर में देख सकते हो। तो चलिए आपको सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग है वही आपको ओपन कर देना है और उसमें एडिशनल सेटिंग को ओपन करके ओटीजी कनेक्शन को ऑन कर देना है। तो आपको मोबाइल में ओटीजी कनेक्शन को ऑन कर देना है और ऑन करके आपको जो कीबोर्ड एंड माउस है उसका हमारे जो यूएसबी हब है उसमें हमने कनेक्ट कर दिया है। तो आपको टीवी को यानी कि मॉनिटर को ऑन करना है और ऑन करके उसमें जो सोर्स बटन है वही आपको प्रेस कर देना है, क्योंकि उसमें आपको HDMI को सिलेक्ट करना है। तो चल मैं HDMI को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह टीवी में यानी कि मॉनिटर में यह भी को कई सारे ऑप्शन होता है, तो आपको HDMI को सिलेक्ट करना है। तो आपका एनीकास्ट है वही आपका टीवी में शो हो जाएगा यानी कि मॉनिटर में शो हो जाएगा। तो आपको इस तरह सभी प्रोसेस है वही आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आपका मोबाइल में जो स्क्रीन मिरर होता है वही आपको ओपन करना है। तो चलो मैंने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया है, लेकिन कई सारे मोबाइल में जो स्क्रीन कास्ट होता है वही आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है, वहाँ से आपको कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैंने स्क्रीन मिरर को ओपन कर दिया है और मैं मोबाइल में कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा मॉनिटर में जो मोबाइल है वही हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आपको वेट करना है और वेट करके आपको जो मोबाइल है वही आपको मॉनिटर में कनेक्ट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा मोबाइल है यहाँ पे मॉनिटर में कनेक्ट हो गया है। तो चलो मैं कीबोर्ड एंड माउस को यहाँ से हमें कनेक्ट करना है। तो आपको इस तरह मोबाइल को मॉनिटर में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें मोबाइल में कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करके गेम को हमें प्ले करना है। तो चलो इस तरह मैंने यूएसबी हब है यहाँ पे मैं ओटीजी को मोबाइल में कनेक्ट कर देता हूँ और मोबाइल है यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा जो मोबाइल में कीबोर्ड एंड माउस है यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो आपको आसान तरीके मोबाइल में कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट कर देना है। तो चलो मैंने सही से कनेक्ट कर दिया है, जो हमारा यूएसबी हब है उसमें हमारा लाइट भी ऑन हो रहा है। तो चलो हमारा सही से जो मोबाइल है यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो मोबाइल की हमारा स्क्रीन है यहाँ पे हमारा मॉनिटर में शो हो जाएगा। तो आपको कीबोर्ड एंड माउस के गेम को आसान तरीके प्ले करके यहाँ से खेल सकते हो। तो चलो मैं आगे आपको गेम को प्ले करके भी आपको बताने वाला हूँ कि आपको कीबोर्ड एंड माउस से गेम को मोबाइल में खेल के आपको टीवी में देख सकते हो, यानी कि मॉनिटर है उसमें आपको आसान तरीके देख सकते हो। तो सही से हमारा जो कीबोर्ड एंड माउस है उसमें हमारा लाइट भी आ रहा है। तो चलो हमारा पीछे जो केबल है यहाँ पे सही से अटैच नहीं हुआ है, तो वही मैं सही से केबल को एडजस्ट कर देता हूँ। तो आपको इस तरह यूएसबी हब है तो उसमें कीबोर्ड एंड माउस को लगाना है और लगा के यूएसबी हब में जो ओटीजी आता है वही आपको ओटीजी को मोबाइल में कनेक्ट करना है और मोबाइल में आपको जो ओटीजी सेटिंग होता है वही आपको ऑन कर देना है। तो जो भी मैं प्रोसेस आपको बताया है वही आपको फॉलो करना है। तो आपका सभी सेटअप है यहाँ पे हो जाएगा। तो चल मैं आपको गेम को प्ले करके कीबोर्ड एंड माउस से बताने वाला हूँ। तो इस तरह हमारा सही से जो हमारा ओटीजी है यहाँ पे हमारा जो लाइट अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा सही से ओटीजी है यहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो चल मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए कि सही से हमने मोबाइल को यहाँ पे सेट कर दिया है और कीबोर्ड एंड माउस से यहाँ पे मैंने मोबाइल में लगा दिया है। तो चलो मैं फिर से यूएसबी केबल है वही मैं सही से एडजस्ट कर देता हूँ। तो आपको आसान तरह के इस तरह एडजस्ट कर देना है।
तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा कीबोर्ड एंड माउस से यहाँ पे मैं मोबाइल में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हमारा सही से कनेक्टेड हो गया है, मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ हमारा मॉनिटर में भी शो हो रहा है। तो अभी देख लीजिए कि हमारा यूएसबी अब है तो उसमें लाइट भी आ रहा है, कीबोर्ड एंड माउस में लाइट भी हमारा सही से आ रहा है। तो चलो मैं मोबाइल में गेम को प्ले करता हूँ। तो सही से आपको मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको टीवी में यानी कि मॉनिटर में देख सकते हो। तो हमारा पास जो एक रेसिंग कार का गेम है मोबाइल में, जो आपको मोबाइल में खेलते ही होगे, तो इसी मैंने गेम को यहाँ पे प्ले कर दिया है। तो चल मैं कीबोर्ड से गेम को प्ले कराऊँ। तो अभी देख लीजिए कि मैंने माउस भी कनेक्ट कर दिया है। तो चल मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है, तो जो कीबोर्ड में 4 बटन होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन, वही आपको प्रेस करके गेम को खेल सकते हो। तो कई सारे जो फ्री फायर गेम होता है वही आपको खेलना है, तो इस तरह आपको आसान तरीके सेटअप बना के गेम को खेल सकते हो। तो गाइस मैंने सही से जो मोबाइल में गेम को कीबोर्ड से प्ले कर दिया है, तो सही से हमारा गेम प्ले हो गया है। तो हमारा सही से कीबोर्ड एंड माउस से यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है। तो आपको नो पीसी नो मॉनिटर यानी कि नो पीसी इस तरह आपको सेटअप बनाना है, तो वही आपको आसान तरीके बिना कंप्यूटर के सेटअप को बना सकते हो। तो सही से आपको जो टीवी है यानी कि मॉनिटर है उसमें आपको मोबाइल कनेक्ट करने के लिए आपको जो कई सारे केबल होता है तो केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो, और एनी कास्ट है तो एनी कास्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा पास जो एनी कास्ट था उसके मैंने कनेक्ट कर दिया है, और कीबोर्ड एंड माउस है वही मैंने मोबाइल में भी कनेक्ट कर दिया है। तो सही से हमारा गेम है यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा मोबाइल में गेम वर्क कर रहा है, जो उसमें मॉनिटर है तो मॉनिटर में भी सही से हमारा वर्क कर रहा है। तो आपको मोबाइल है वही आपको मॉनिटर में कनेक्ट करके कीबोर्ड एंड माउस को मोबाइल में लगा के गेम को प्ले करना है, तो आपको आसान तरीके गेम को यहाँ से खेल सकते हो। तो सही से अभी देख लीजिए कि हमारा गेम प्ले हो रहा है। तो चलो मैं फिर से कीबोर्ड से सही से मैंने गेम को प्ले कर दिया है, तो जो कार रेसिंग का गेम है यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अभी देख लीजिए कि पूरा सेटअप है वही हमने गेम के लिए यहाँ पे बना दिया है। तो आपको आसान तरीके इसी तरह जो सेटअप है यहाँ पे आपको क्रिएट यानी कि बना सकते हो। तो सही से हमारा जो गेम है यहाँ पे हमारा प्ले हो रहा है। तो आपको आसान तरीके मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको मॉनिटर में देखना है, और कीबोर्ड एंड माउस को लगा के गेम को खेलना है। तो आपको आसान तरीके जो सभी सेटअप है यहाँ से आप कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि सही से हमारा गेम यहाँ से प्ले हो रहा है। तो गाइस आपको आसान तरीके कीबोर्ड एंड माउस को मोबाइल में कनेक्ट करना है, तो आपको आसान तरीके इसी तरह कनेक्ट कर सकते हो, और आपको मोबाइल है वही आपको मॉनिटर में कनेक्ट करके देखना है, तो इस तरह आपको आसान तरीके देख सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वह मैंने आपको कंप्लीट लाइव प्रूफ करके फुल सेटअप करके बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।